नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सभी का दिव्यांगजनों के सबसे लोकप्रिय चैनल डॉक्टर शिवाजी सब कमिश्नर साहब में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार हमारे चैनल से जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं उन्हें ये मालूम है कि लगातार मैं टोक्यो 2020 जो इस बार जापान में हो रहा है, टोक्यो में हो रहा है, वहाँ से मैं पैरालंपिक गेम्स और पैरालंपिक विलेज के बारे में पल पल की अपडेट आप सबों तक पहुँचा रहा हूँ। साथ ही पैरालंपिक विलेज में क्या कुछ है देखने के लिए, वो तमाम चीज़ों का छोटा छोटा वीडियो क्लिप्स हमें अर्थात बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को डॉक्टर शिवाजी सर कमिश्नर साहब के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और उसकी छोटी छोटी वीडियो बनाकर मैं आप सभी को जानकारी के लिए आप सभी तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। इसके पहले जो भी वीडियोज आए हैं उसमें मैंने वहां के शॉपिंग सेंटर, लॉन्ड्री सर्विस, किचन सिस्टम, डाइनिंग हॉल, तरह तरह की तमाम चीज़ें जो कि पैरालंपिक विलेज में अवेलेबल है, उन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने विस्तृत से बताया। बताने का जो मुख्य उद्देश्य है कि पैरालंपिक विलेज में जो दिव्यांगजनों के लिए जो गेम का आयोजन होता है और वहाँ रहने के लिए जो दिव्यांगजनों एवं जो भी उनके प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में जाते हैं उन सभी को जो व्यवस्थाएं दी जाती है वह इतनी एक्सेसिबल दी जाती है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसी क्रम में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पैरालंपिक विलेज में जो टॉयलेट होता है, जो शौचालय होता है, जो किस तरह से एक्सेसिबल किया गया, जिसको आप देखेंगे वीडियो में लगातार आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ जो है टॉयलेट में हैंडल लगे हुए हैं जिसको पकड़ करके दिव्यांगजन आसानी से शौच के लिए बैठ सकते हैं। टॉयलेट में भी उसी तरह की व्यवस्था की गई है, आपको यूरिन पास करना है तो वहाँ पे भी जो है हैंडल्स लगे हुए हैं, आप आसानी से इसको पकड़ के आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और वह हैंडल भी जो है एक्सेसिबल है, आप उसको बैठने क्रम में आप उसको नीचे कर सकते हैं और जब आप उठ रहे हैं तो आप उसको ऊपर भी कर सकते हैं। और दोनों ही तरह के जो डिसेबल हैं, जो नॉन डिसेबल हैं, दोनों के लिए ही काफ़ी जो है हेल्पफुल है और मददगार है। यहाँ का हर जो चीज़ जो दिव्यांग लोग यूज करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, जिसकी जिसमें उनकी सहायता की आवश्यकता होती है, उन तमाम चीज़ों में एक्सेसिबल किया गया है। एकदम बहुत ही सहज तरीके से बनाया गया, बहुत ही इस तरह से है कि वो उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि दिव्यांगजनों को बस पकड़नी होती है तो वहाँ को जो बस स्टैंड बना हुआ था जहाँ से लोग बस पकड़ते हैं, वहाँ की जो आपने देखा व्यवस्था किस तरह से उसको बाधा मुक्त बनाया गया है, आप उसको देख के हैरान रहेंगे। देखिए अभी टॉयलेट का पूरा सीन कितना एक्सेसिबल किया हुआ, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आपका जो है वाटर है, इसमें हॉट वाटर और ड्रिंकिंग वाटर दोनों तरह के पानी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और वहाँ का आप देख रहे होंगे कि वहाँ का जो बेसिन है, जैसे हम लोग जो भारत में जो बेसिन यूज करते हैं वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि यह स्टील का बेसिन है, इसमें जो जैसे हम लोग क्या होता है कि पुश करने का होता है, यहाँ भी पुश करने का, लेकिन उसके लिए एक स्विच दिया गया है जिससे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इसको हम लोग सर जो है इसको स्विच करके भी देखे हैं कि किस तरह उसकी पानी गिरती है। जैसे देखिए वहाँ पे आप जो है वो इतने अच्छे से है कि आप उसको दिव्यांग लोग आसानी से उसको कर सकता है, एक नीचे भी है एक ऊपर भी है, जैसे जिनकी सहूलियत होती है। देखिए यहाँ पे स्विच किया गया और पानी कितने आसानी से जो है आपको स्मूथली दिया जा रहा है, तो इस तरह का व्यवस्था है वहाँ पे। धन्यवाद।